देख छोटे, जिंदगी में कभी भी मेरी मदद की अगर जरूरत पड़े तो बिल्कुल मत भूलना। हेलो गाइस, अरे साला फिल्टर लगाना भूल गए। हाँ अब ठीक है। बाप रे इतना खराब दिख रहा था, पता नहीं लोग का क्या बोलता। मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ तो सोच, मैं अपने प्यार के लिए क्या क्या करूंगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारी गांड में। अरे ये टेढ़ा मुंह करके क्यों स्माइल कर रहे हो? शाहरुख खान हो क्या? सीधा करो। हाँ थोड़ा और। अरे करो ना, अब इतना दांत क्यों फाड़ रहे हो? कम दिखाओ। हाँ अब थोड़ा शरीर घुमाओ। अरे मुंडी नहीं सिर्फ शरीर यार, जैसे शूटिंग सेटिंग वाले फोटो में होता है। हाँ अब ये पांव क्यों हिला रहे हो? अच्छा ये बताओ, अब एक थोड़ा गंभीर सवाल पूछते हैं, तुम गुटखा कब से खाते हो? एक दो महीना से। एक दो महीना से? कौन सा गुटखा खाते हो? सुप्लास। कितने का आता है? 3 रुपया। तो तुम्हारे पापा डांटते? वो पूछना ये था दोस्तों, जिसने घड़ी बनाई थी उसने टाइम कहाँ देखा था? डायमंड बटन प्राप्त हुआ है यूट्यूब की ओर से, आप बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अनिल आचार्य जी, आपको डायमंड बटन मिल गया है, हमारी भी ऊपर कृपा करिए भगवान से कि हमारा भी चैनल मुंडक हो जाए, श्री मुंडक हो जाए, हमें पेमेंट चालू हो जाए। आज के टाइम पे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। मैं टीवी छोड़कर पानी पीने गया, इतने में गुंडे हीरोइन को उठा ले गए। दोस्ती बहुत बहुत जरूरी होती है, और इस पे भी मेरा एक छोटा सा वीडियो है कि आप फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, या वही जो क्वालिटीज है वो खुद में भी कैसे लाए। तो सबसे पहली क्वालिटी यही है कि हम जो सिर्फ सैटरडे संडे जिन दोस्तों से पार्टी करने के लिए मिल रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं होते हैं, वो आप बस एंटरटेनमेंट के लिए, आपको मस्ती करना है मजा करना है तो आप मिल रहे हो, लेकिन एक्चुअल जो आपके दोस्त होते हैं ना वो आपको भी सिखाते हैं, आप उनको भी सिखाते हैं, वो आपके साथ ग्रो करते हैं। और जैसा आपने कहा एसेंस, जैसे मैं मेरे पेरेंट्स के जो दोस्त हैं सालों से एक के दुक्के हैं लेकिन अभी तक है, और अभी भी हम कई बार ऐसा लगता है कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो उनसे, तो वो कहते हैं हमारे दोस्तों को अपने दोस्तों जैसा मत समझना कि हम एक दो बोल देंगे या एक दो चीजें हो जाएंगी और हमारी दोस्ती टूट जाएगी। हमारी दोस्ती इस चीज पर नहीं बनी है, वो अगर महीनों भी एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं या एक साल तक भी उन्होंने बात नहीं की है, वो एक साल बाद भी फोन करते तो वो वैसे ही होते जैसे वो एक साल पहले थे, जहां उनकी बात छूटी थी बिल्कुल वैसे। तो सबसे पहली चीज की यही कि जरूरी नहीं है आपको अपने दोस्तों से हर एक इंटरवल में मिलना है, तभी आपकी दोस्ती कायम रह सकती है। अरे तू आमचा मोबाईल आणि वायर काय घेतो? तू कपडे घालणं तुला शरम नाही वाटत का? आमचा मोबाईल आणि वायर घ्यायले? तू कपडे घाल, जय हो लवकर बोला आपल्या भाई को। शंकर पाणी कोणी उरलं पावसाळ्या लागला असताना पण पाणी कोणी उरलं, त्याचं कारण हेच आहे
हे जो पावसाळ्याचं पाणी आहे ते उन्हाळ्यातच पळून गेलो. रुको जरा, सबर करो. तर तुम्ही काही टेन्शन घेऊ नका. हाय रस्त्यानं यू राहिल ते तुम्ही टेन्शन करू नका. फक्त काय करा, फॉलो करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, बस. खतम. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. दो, तीन, पांच. चार कहाँ गया? अरे चार कहाँ गया? चार तुम गए. दोस्तों कुछ नहीं था, 5 रुपए बिस्किट पैकेट को पार्ले जी कहते हैं, तो 120 रुपए टमाटर को टमाटर जी कह सकते हैं क्या? वाह क्या सीन है. ये लो भाई मेरा शादी का कार्ड, और शादी में जरूर आना. अरे सुनो भाई, आपके शादी में मेरे पूरे परिवार को लेके आ सकता हूँ क्या? अरे तेरा बाप ना होटल खोल रखे क्या? दोस्ती बहुत बहुत जरूरी होती है, और इस पे भी मेरा एक छोटा सा वीडियो है कि आप फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, या वही जो क्वालिटीज है वो खुद में भी कैसे लाएं. तो सबसे पहली क्वालिटी यही है कि हम जो सिर्फ सैटरडे संडे जिन दोस्तों से पार्टी करने के लिए मिल रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं होते हैं. वो आप बस एंटरटेनमेंट के लिए, आपको मस्ती करना है, मजा करना है, तो आप मिल रहे हो. लेकिन एक्चुअल जो आपके दोस्त होते हैं ना, वो आपको भी सिखाते हैं, आप उनको भी सिखाते हैं, वो आपके साथ ग्रो करते हैं. और जैसे आपने कहा एसेंस, जैसे मैं मेरे पेरेंट्स के जो दोस्त हैं सालों से एक के दुक्के हैं, लेकिन अभी तक है, और अभी भी हम कई बार ऐसा लगता है कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो उनसे, तो वो कहते हैं हमारे दोस्तों को अपने दोस्तों जैसा मत समझना कि हम एक दो बोल देंगे या एक दो चीजें हो जाएंगी और हमारी दोस्ती टूट जाएगी. हमारी दोस्ती इस चीज पर नहीं बनी है. वो अगर महीनों भी एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं या एक साल तक भी उन्होंने बात नहीं की है, वो एक साल बाद भी फोन करते तो वो वैसे ही होते जैसे वो एक साल पहले थे, जहां उनकी बात छूटी थी बिल्कुल वैसे. तो सबसे पहली चीज की यही कि जरूरी नहीं है आपको अपने दोस्तों से हर एक इंटरवल में मिलना है, तभी आपकी दोस्ती कायम रह सकती है.